हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर थर्ड पे। और ये जितने भी एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 31st जुडिशियल एग्जाम को लेके। बिहार जुडिशियल एग्जाम 31st, आप लोगों को पता ही है कि 31st जुडिशियल एग्जाम दैट मीन्स बिहार जुडिशरी का डेट पोस्टपोन हो गया है, डेट आगे बढ़ गया है। तो आप लोगों के पास अभी पर्याप्त समय और मिल गया आपको कि आप और अपना प्रैक्टिस और बेहतर कर पाएँ। और ये जो अभी मैं सीरीज कर रहा हूँ अपने चैनल पे, ये सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप जब इस सीरीज को देखो तो पूरा देखो और आप टोटल में आपका कितना सही हुआ है आप उसको बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो कि टोटल में आपका कितना सही हुआ। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब भी आपको देना है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, रीट ऑफ हेवियस कॉर्पस मींस ऑप्शन ए टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ अ पर्सन इलीगली डिटेन्ड बिफोर द कोर्ट, ऑप्शन बी स्टॉप द वायलेशन ऑफ राइट ऑफ अ मैन, ऑप्शन सी रेस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ अ पर्सन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो रीट ऑफ हेवियस कॉर्पस का मतलब होता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ अ पर्सन इलीगली डिटेन्ड बिफोर द कोर्ट, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है, अंडर हिंदू लॉ मैरिज इज ऑप्शन ए सैक्रामेंट, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे बात किया जा रहा अंडर हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज क्या है, सेक्रामेंट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदू मैरिज क्या है, तो आपका जवाब होगा रिजेंबलेंस ऑफ सेक्रामेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री है, लॉ रिलेटिंग टू मैरिजेस अमॉन्ग हिंदूज हैज बीन कोडिफाइड अंडर दी, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ऑप्शन बी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ऑप्शन सी चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट 1929, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, इफ अ पार्टीज टू अ मैरिज आर सपिंड टू इच अदर द मैरिज इज, अब मान लो कि दो सपिंड के बीच में अगर शादी हो तो शादी का क्या प्रभाव होगा, ऑप्शन ए वैलिड, बी वॉइडेबल, सी वाइड, डी नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वो मैरिज वाइड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव है, अ हिंदू डाइज इंटेस्टेट लिविंग बिहाइंड टू सन्स वन डाउटर एंड विडो, हिज प्रॉपर्टी शैल डिवॉल्व टू, ऑप्शन ए विडो ओनली, ऑप्शन बी सन्स एंड डाउटर्स ओनली, ऑप्शन सी सन्स ओनली, ऑप्शन डी सन डाउटर एंड विडो ऑल। अगर एक हिंदू मर जाए बिना अपने संपत्ति का वसीयत बना के तो उनके प्रॉपर्टी का जो बंटवारा होगा सभी में होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सन डाउटर एंड विडो ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, अंडर सेक्शन 30 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अ हिंदू कैन डिस्पोज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन अमिताक्षा कोपासनरी प्रॉपर्टी बाय, अब सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का हिंदू अपने प्रॉपर्टी को या अपने प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, किस माध्यम से, कैसे, ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी गिफ्ट, ऑप्शन सी विल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन है, अ पर्सन इज नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम सक्सीडिंग टू एनी प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी डिजीज डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी इज प्रोवाइडेड अंडर, ऑप्शन ए सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, ऑप्शन बी सेक्शन 29, ऑप्शन सी सेक्शन 30, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो कोई भी व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा सक्सीड करने से टू द प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजीज डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी, ये बताया गया सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू
सक्सेशन एक्ट 1956, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हस्बैंड एंड वाइफ में फाइल अ पिटीशन ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ऑप्शन ए सेक्शन 10, ऑप्शन बी सेक्शन 11, ऑप्शन सी सेक्शन 9, ऑप्शन डी सेक्शन 13B। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सेक्शन 13B। आपसी सहमति से डिवोर्स किस सेक्शन के अनुसार लिया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट का, तो वो है सेक्शन 13B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन है, कंसेंट थ्योरी ऑफ डिवोर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इन द ईयर, किस वर्ष कंसेंट थ्योरी को जोड़ा गया है हिंदू मैरिज एक्ट में। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1979। तो कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स को जोड़ा गया है, लाया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में 1976 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है, अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड टू अडॉप्ट। ऑप्शन ए एन अनमैरिड पर्सन, ऑप्शन बी वाइफ हु इज डिवोर्स्ड, ऑप्शन सी हस्बैंड विद कंसेंट ऑफ वाइफ, ऑप्शन डी हस्बैंड विदाउट कंसेंट ऑफ द वाइफ। तो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग किसको अधिकार नहीं है अडॉप्ट करने का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हस्बैंड विदाउट कंसेंट ऑफ द वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ हिंदू मेल ऑफ 28 ईयर्स ऑफ एज अडॉप्ट अ फीमेल चाइल्ड ऑफ 13 ईयर्स ऑफ एज। ऑप्शन इज, अगर 28 वर्ष का कोई पुरुष फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करता है, इसका एज 13 साल है, 13 ईयर्स है, तो अडॉप्शन का क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वाइड, ऑप्शन सी वाइडेबल, ऑप्शन डी इलीगल। तो ये जो अडॉप्शन होगा ये वाइड माना जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि दोनों के बीच का जो एज डिफरेंस होना चाहिए वो 21 वर्ष का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ऑप्शन ए कस्टम, ऑप्शन बी इजमा, ऑप्शन सी कयास, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो मुस्लिम लॉ का जो सेकेंडरी सोर्स है वो है ऑप्शन ए कस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइज द एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ। ऑप्शन ए मुस्लिम मैरिज रिजोल्यूशन एक्ट 1939 मुस्लिम वुमेन, ऑप्शन बी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, ऑप्शन सी शरीयत एक्ट 1937, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो मुस्लिम लॉ का जो एप्लीकेबिलिटी है उसमें जो बदलाव आया है ये सभी एक्ट्स के द्वारा आया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, हु अप्लाइड कयास फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। किनके द्वारा कयास को माना गया था कि ये भी मुस्लिम लॉ का सोर्स है। ऑप्शन ए इमाम अबू हनीफा, ऑप्शन माफ कीजिए बी होगा यहां पे, ऑप्शन बी इमाम यूसुफ, ऑप्शन सी इमाम जाफर, ऑप्शन डी इमाम अहमद। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इमाम अबू हनीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी फॉर मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम्स में मैरिज को लेके कौन सा कैपेसिटी एब्सोल्यूट माना गया, दैट मीन्स टू से अगर इस योग्यता में
शादी हुआ तो वो मैरिज वॉइड माना जाएगा। ऑप्शन ए कंसैंगुइनिटी, ऑप्शन बी एफिनिटी, ऑप्शन सी फोस्टरेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अ मुस्लिम कैन मैरी अ नंबर ऑफ वाइफ्स नॉट एक्सेडिंग 4। इफ अ मुस्लिम मैरिज अ फिफ्थ वाइफ सच अ मैरिज शैल बी। देखो एक मुस्लिम एक समय में चार ही शादी कर सकता है, लेकिन अगर उसने चार से अधिक पांचवा शादी कर लिया तो पांचवें शादी का क्या प्रभाव होगा, क्या इफेक्ट होगा। ऑप्शन ए वाइड, ऑप्शन बी वैलिड, ऑप्शन सी इरेगुलर, ऑप्शन डी आइदर ए और बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इरेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आफ्टर डाइवोर्स अ मुस्लिम वूमेन कैन इमीडिएटली मैरी। ऑप्शन बी कैन नॉट मैरी, ऑप्शन सी कैन मैरी ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इद्दत, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डिवोर्स के बाद मुस्लिम महिला शादी कर सकती है लेकिन इद्दत के पीरियड लैप्स होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ मेनी विटनेसेस आर नेसेसरी इन सिया मुस्लिम मैरिज। अगर शादी सिया मुस्लिम्स में हो रहा है तो विटनेस कितना चाहिए, कितना विटनेसेस का आवश्यकता होगा। ऑप्शन ए वन मेल एंड टू फीमेल, ऑप्शन बी टू मेल, ऑप्शन सी नो विटनेसेस रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नो विटनेस रिक्वायर्ड। जब शादी सिया में हो रही हो तो विटनेस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सिया में विटनेस की आवश्यकता तब होती है जब मैरिज डिसॉल्व हो रहा होता है, याद रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइफ्स राइट व्हेन हर हस्बैंड डज नॉट पे डोवर। अगर हस्बैंड वाइफ का डोवर पे नहीं करता है तो इस सिचुएशन में वाइफ के पास क्या क्या अधिकार होगा। ऑप्शन ए रिफ्यूजल टू कोहिबिट, ऑप्शन बी फाइल सूट फॉर रिकवरी ऑफ डोवर, ऑप्शन सी कीप पोजेशन ऑफ डिसीज्ड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। रिफ्यूज कर देगी कोहिबिट करने से, या फिर सूट फाइल कर सकती है फॉर द रिकवरी ऑफ डोवर, या फिर अगर उसके पास अपने डिसीज्ड हस्बैंड का प्रॉपर्टी है तो वो अपने पोजेशन में रख सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। राइट ऑफ प्रीएम्पशन से आप क्या समझते हो। ऑप्शन ए राइट टू सीक इविक्शन ऑफ टीनेंट एंड गेट वैकेंट पोजिशन, ऑप्शन बी राइट टू परचेज प्रॉपर्टी इन प्रेफरेंस टू अदर पर्सन, ऑप्शन सी अ राइट टू परचेज अ प्रॉपर्टी एट लो प्राइस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीएम्पशन का मतलब होता है अ राइट टू परचेज प्रॉपर्टी इन प्रेफरेंस टू अदर्स। दूसरे को मौका ना मिलके किसी पार्टिकुलर पर्सन को मौका जब मिलता है प्रॉपर्टी को खरीदने का तो उसका जो ये अधिकार है उसको प्रीएम्पशन का राइट कहते हैं। बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा हमारा तबीयत खराब है इसलिए दिक्कत हो रही है वीडियो को थोड़ा शूट करने में बनाने में, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, सॉरी फॉर दिस। मैं आपको बस अंत तक इतना बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और कोई भी पर्सनल क्वेरी है आपको अगर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज के वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से, जिसका लिंक आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही,
आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।